नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024। अब मैं टॉस के लिए बुलाना चाहती हूँ भारत की आन बान शान, जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट्स लिए, द वन एंड ओनली मिस्टर मोहम्मद शमी। आपल्या माणसांमध्ये या टीम मध्ये उभे आहेत मोहम्मद शमी। आर यू गाइज एक्साइटेड? इराकी वॉरियर्स का कॉल होगा। Tell us a call and let's see what it is. So tells it is. शेवटचा सामना या ठिकाणी सुरू होतोय, अंतिम सत्र सुरू होतोय, अंतिम महासंग्राम। चला आवाज येऊ द्या प्रौढ प्रताप पुरंदर। पहिल्या चेंडूवरती अप्रतिम फटका, चेंडू झाली ती मार्ग शपार, परंतु प्रेक्षकांना मी विनंती करेन, या मला या स्पर्धेला सुरुवात झाले, ग्रँड फिनालचा सामना सुरू होतोय। एकदा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आपण गजर करणार आहोत। प्रौढ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय गुलावंस, राजा अधिराज, योगीराज, श्रीमंत योगी, श्री श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की, छत्रपती शिवाजी महाराज की। टायगर्सला नेक्स्ट बॉल, क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक आहे। या ठिकाणी दिल्ली वरून येऊन महाराष्ट्रावर राज्य करण्यासाठी जगत सरकारचा खेळ पाहायला मिळतोय। बॅक टू बॅक दोन सिक्सर्स, इस बार सीधे बल्ले से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, क्या बात है, गेंद जाएगी मिड ऑफ के ऊपर से बॉडी के बाहर, स्ट्रोक है दमदार। क्लीन बोल्ड, कितनी बार इसी तरह से इन्होंने गेंदबाजी की है और विकेट प्राप्त किए हैं। 100 सोनार की, एक लोहार की, चारों का निश्चित किया है। संख्या 26 स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, पर क्षेत्ररक्षक लॉन्गॉनला सूर घेत आहेत आणि या ठिकाणी रिदम मध्ये येत आहेत। इराकी ग्लोरियस संघ कमबॅक करतोय, गरम बाला ज्यांचा चालला नाही या स्टेडियम वर, बोल बाला, धक्का क्रमांक 2 नॉर्थ हिमालयन टायगर्स। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और विजय पावले, ओहो क्या गजब का कैच लिया गया, गेंद को खेल दिया था बॉडी लाइन की तरफ, यहां छलांग लगाई, आगे छलांग लगाई, जैसे कि कोई इंटरनेशनल मैच आप देख रहे हैं। तर 25-30 ही रेंज आपण पाहू शकतोय। पॉइंट के ऊपर से गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ खेल दिया है, चौका या छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का और ये लगा शानदार चौका। दुनिया रोशनी में जगमगता हुआ ये दादोजी स्टेडियम, दादोजी कुंड स्टेडियम आप देख रहे हैं और दर्शकों से खचाखच वाला स्टेडियम है। हवेत आहे बॉल, मिस मॅच, विजय पावले डाउन दी बॉल, या सामन्याची ओळखली प्रायोरिटी आणि दाखवली विजय पावलेने आपली गोलंदाजीची क्वालिटी। फलंदाज रवी बॅक टू पॅवेलियन। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन विजय पावले द्वारा, और देखिए ये कैच भी उतना आसान नहीं है क्योंकि इस प्रतियोगिता में विजय पावले जैसे कि पिछले मैच में संघर्ष किया था। एक्शन रिप्ले देखे, ये मिस टाइम स्ट्रोक था, अमा में गेंद और वहां एक बार फिर भाग कर रनिंग कैच लिया गया विजय पावले। वाह वाह भाई वाह, या होती है चाह वह मिलती है रहा, कमाल कर रहे मैदान के अंदर विजय पावले। उड़ाया इस बार की तरफ अमा में गेंद, विजय पावले लॉन्ग ऑन बॉलिंग की तरफ और ये शानदार तीसरा कैच, जगत सरकार बैक टू द डबल एंड मोनने किया पलटवार, प्रवृत्त केलेले आहे या वेळेस, ड्राइव केलाय बॉलला, क्षेत्ररक्षक लॉन्ग ऑफला, बॉल खाली येतील, जेल टिपतील आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद, बॅक टू बॅक दोन विकेट तुम्हाला पाहायला मिळतात आणि नॉर्थ हिमालयन संघाला लागलाय सुरुंग, अक्षयच्या ब्रेस कंप्लीट। वाट पाहावी लागेल जर या अंतिम लढतीमध्ये काही चुका झाल्या तर, गेल्या 9 वर्षांमध्ये एक पॉज आला होता नजीबुल्ला ट्रॉफीला आणि 9 वर्षानंतर इतकं भव्य स्वरूप या स्पर्धेचं पाहायला मिळते, त्याचमुळे या स्पर्धेला जिंकून आपला एक औदा एक हुद्दा वाढवण्याचा प्रयत्न प्रत्येक खेळाडू करतो, प्रत्येक संघ करतो। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, शानदार गेंदबाजी, डबल हैट्रिक अक्षय ने इस ओवर में, जबरदस्त घातक गेंदबाजी की है
और टप्पा खाने के बाद उछाल ली थी विकेट, कट करना चाह रहे थे बल्लेबाज, बैक टू द पवेलियन जाते भी विकी निराशमन के साथ जा रहे हैं। इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल था और निराट के तौर पर और एक विकेट गिरने वाला है, बिल्कुल गिरने वाला है। लविश बैक टू द पवेलियन, टप्पा खाने के बाद उछाल था, अच्छी गेंदबाजी फिलहाल गेंदबाज उधर, प्रसन्न पाटिल ने लाजवाब तरीके से स्टार्ट किया है। बार की तरफ गेंद को खेल दिया, मिड विकेट पर बॉडी पर खिलाड़ी है, उनके पास कोई मौका नहीं है, ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। गेंद बॉडी के बाद 6 रन। आपल्या फलंदाजीचा आपल्या संघासाठी रन गोळा करतायत जी खरंच गरजेच्या गोष्टी आहेत आणि आपल्या संघासाठी गरजेपोटी धावून येत आहेत। अमनच्या वतीने हा स्ट्रोक बघा, पूर्णपणे अडखळले होते, धडपडले होते, पण स्ट्रोक कंप्लीट केला आणि या साधवा जोडलेले आहेत नॉर्थ हिमालयन टायगरच्या धावफलकामध्ये। धावसंख्या पोहोचते आता 43 या आकड्यावर, 43 रन्स ऑन बोर्ड, अजूनही 3 चेंडू दाखल बाकी आहे। क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक आहे, क्षेत्ररक्षक मिड विकेटला, बॉल खाली येतात, कॅच कॅरी करतात, पुन्हा एकदा आजच्या दिवसातली सर्वोत्कृष्ट कॅच आपण म्हणू शकतो, ते यादीमध्ये जात आहेत आणि या ठिकाणी जबरदस्त क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते। बॉडी लंके तर उसके बाद में दोबारा हमला करने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती गेंद, फ्लैट बॉडी की तरफ आई, डिंडू कमली इस वक्त बॉडी लंक पर मौजूद है, आगे आए और बहुत बढ़िया तरीके से शानदार कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच। प्रसन्न पाटिल टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई गेंद और उंगली खड़ी होती भी, और उसी मैच में 19 का चेक था उनको। चेक 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 सर्व ठाणेकरांना एक विनंती है, जो क्षण आपण पाहिला आज आपल्या दादोई कोंडो स्टेडियम मध्ये भरलेला क्रिकेटचा हा महामेळा महाउत्सव, ज्यांनी हे पूर्ण नजीब मुल्ला ट्रॉफी 2024 मॅनेज केलेला आहे खूप चांगल्या रीत्या, आणि अशी पल्लवी नारायण टीम जोरदार टाळ्या होत्या। अल्टिमेट इव्हेंट मेकर्स, वी क्रिएट यू सेलिब्रेट। सोपं नाहीये इराकी ग्लोरियस वॉरियर्स या संघासाठी, आणि कृष्णा सातपुते बाद झालेले आहे, अजून खातं खुललं नाहीये इराकी ग्लोरियस, आणि शून्यावर बघा स्टेप आउट झाले होते, बाउन्सर अटॅक आता होता आणि त्या बाउन्सरला व्यवस्थित जज न करता खेळण्याचा प्रयत्न, बॅचची लिडिंग एज आणि त्या ठिकाणी चांगलं प्रोटेक्शन स्लीपला, फलंदाज बाद, धक्का क्रमांक 1। ऑन साइड लास्ट लॉक स्वीप, क्षेत्ररक्षक नाहीये, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, खाली क्षेत्राची केली निवड, बॉलला पाठवलाय सीमारेषा पार, इजाजच्या वतीने येतोय हा दमदार चौकार। धारावी एक्सप्रेस, यावेळेस बघा योगेश पेणकर सुद्धा उलट दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न करताना पाहायला मिळाले, प्रयत्न फसला, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, फलंदाजाला परतावा लागेल योगेशचा चुकीचा फटका, आणि आता तो फटका बसतोय टीम इराकी ग्लोरियस वॉरियर्सला, आणि जिंकण्यासाठी आता 18 चेंडू 27 धावांची गरज आहे। यावेळेस मोठा स्ट्रोक आहे, हवेत आहे, स्वतःच्या मेहनतीवर इतका तरी आत्मविश्वास ठेवावा की झेप थोडी लेट घेणार पण थेट घेणार, बॉल काऊ करसी मारेशा बार सिक्सर। तयार विकी, पुन्हा एकदा वाईड जॉकर, त्या ठिकाणी फ्लाय स्लीप, क्षेत्ररक्षक डिरेक्ट हिट झाला असता तर काहीतरी वेगळं चित्र पाहायला मिळालं असतं, हा ओव्हर स्टेपिंगचा नो आहे, नोवर मिळाले एक सिंगल, दोन नवा होतील ऍड, सामना बदललाय, सामन्यामध्ये येतोय ट्विस्ट, सामना होणार आहे सुपर हिट। ये देखा जाएगा इस वक्त क्या हुआ है मैदान के अंदर, ओ अब दर्शक अंपायर बनते हुए, पटकी पे गेंद हो किया, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी गेंद के नीचे है, लेकिन आपको यह नहीं भूलना है या खतरा हो सकता है, बिल्कुल खतरा है, खतरा है। 44 का लक्ष्य, हिंदू कामली बैक टू द पवेलियन चले गए, गेंद और बल्ले के बीच चिड़ी है, जंग चल रहा है, क्रिकेट का रंग रंग में भंग हुआ है। सीसो पाहतोय असं मला जाणवते, दोन्ही संघांच्या बाजूने सामना समान कालांतराने झुकतोय, या ठिकाणी बघा 12 चेंडू 17 धावांची गरज, नितीन माटुंगे नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सक्रिय होतील, या ठिकाणी बघा रन अँड बॉलचा डिफरन्स झालेला आहे 5 चा।
अबाबे खेल दिया बहुत ही खराब शॉट, गेंद के नीचे खिलाड़ी लिए गेट आउट। एजाज कुरैशी बैक टू द पवेलियन। करण अंबाला का बॉल वाला, तालियां बज रही है, चिट्ठियां बज रही है, एक बार फिर माहौल बनता हुआ। तो जेव्हा संघाला गरज आहे, बघा ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता आणि त्या ठिकाणी करणने सांगितलं हा माझा कॅच आहे मी घेणार, त्यानंतर टायटॅनिक पोज मध्ये सेलिब्रेशन करण अंबालाचं। करण कभी ज्यादा रन नहीं देते, एक बार फिर परेशान करते, देखिए ये कैच बहुत ही सुंदर कैच, और उसके बाद में देखिए ये टाइटेनिक पोजिशन, वन साइड हीरो है मैदान के अंदर, जबरदस्त प्रदर्शन करण अंबाला का। ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बॉलिंग पर खिलाड़ी तैनात है, पहली गेंद पर सिंगल लिया गया, दूसरी के बारे में सोच रहा है, यह खतरा है, बिल्कुल खतरा है, तालियां बजने वाली है, मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, हर पड़ाव को एक बार भी जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान, टीवी रखिए ऑन, गेम इज ऑन, गेम ऑन है, क्या एक बार फिर मुकाबला। अबाबे गेर हवाई फायर, हर बॉलिंग के बाद खेलन, परिस्थिति गंभीर, त्या ठिकाणी अमित गंभीर येतो, हा क्वालिटी षटकार योग्यता होईली, व्हाट अ फंटास्टिक मॅच। ओ क्या कमाल का मुकाबला, आंचल रिप्ले देखना बहुत जरूरी है, आप सब लोग खड़े होने वाले हैं, आप सब लोग खड़े होने वाले हैं, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक वाओ, मैच में जान डालने वाला यह छक्का था, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, शानदार बेटा। सर्व प्लेयर्स इराकी प्लीज ग्राउंड पे जाओ मत, तुम मुमरा वाले याद रखना, तैयार अब आगे गेंद, बॉडी लाइन की तरह बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाती थी, भीड़ में लगे तो उसके धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान के बाहर जाए उसको छक्का कहते हैं, और एक बार फिर इस मैच पे शॉट डाले, गेम चेंजर खिलाड़ी रजत मुंडे है, क्या पैसा वसूल मैच रहा। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 की बात करें, इराकी वॉरियर्स ग्लोरियस स्पोर्ट ने यह मुकाबला अपने नाम पर कर दिया है, सेलिब्रेशन करने का समय आ गया है, सेलिब्रेशन मैदान के अंदर हो रहा है, सर्वाधिक परफॉर्मेंस।